अधिकारियों की शिकायतें थी, गांव गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे, खासकर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्या चुनाव में धांधली होने वाली है और क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहा है और क्या उपचुनाव से पहले ईवीएम में एक बार फिर गड़बड़ी की शिकायत देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले क्यों ये कहा जा रहा है कि हमें डर है कि हमें चुनाव में हरवाया जा सकता है और चुनाव आयोग इसके पीछे है, चुनाव आयोग साजिश रच रहा है बीजेपी के साथ मिलकर, ये कहना है शिवपाल यादव का। मैं सबूतों के साथ अपने दर्शकों को इसमें दिखाऊंगा कि कैसे शिवपाल यादव ने सबूतों के साथ खोल दिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच की साजिश की पोल और कैसे उपचुनाव से पहले धांधली के सबूतों को लेकर शिवपाल पहुंचे तो बौखला उठे अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि चुनाव आयोग एक बड़ी साजिश रच रहा है बीजेपी के साथ, यानी कि चुनाव में धांधली की बात कही जा रही है, जानबूझकर समाजवादियों को हराने का प्लान तैयार किया जा रहा है और तभी तो यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किए गए। मैं इस पर आगे और बात करूँगा लेकिन शिवपाल क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी तक चुनाव तो आपको पता ही है 13 को था, अब हो गया है 20 नवंबर, तो हम लोग इसलिए आए थे। अभी तक शिकायतें थी, जिला पंचायत अधिकारी से लेकर BDO से लेकर के ADO से लेकर के नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी, गांव गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे, खासकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे और पुलिस में ऐसो जा रहे, वो भी धमका रहे, कह रहे कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट किया तो तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, इतने मुकदमे ला देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। क्या देखा आपने शिवपाल यादव, और आपको खुद यकीन हो गया होगा कि क्या वाकई चुनाव आयोग पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो इल्जाम क्या झूठे हैं या सही हैं, और मैं चाहूँगा जनता इस पर ओपिनियन अपनी ज़रूर दे। लेकिन सीधे तौर पर ये बात तो तय है कि अचानक उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किए गए और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि समाजवादी जो कार्यकर्ता नेता जो वोटर यादव वोटर उन्हें धमकाया जा रहा है, तो क्या BJP इस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जिस तरीके से सबूतों के साथ शिवपाल यादव ने खुलासा किया उसके बाद क्या वाकई माना जाए कि जो चुनाव होंगे वो बहुत सुरक्षा के स्तर से होंगे। लेकिन क्या BJP घबरा भी गई है, क्योंकि चुनाव से पहले अचानक जो चुनावी तारीखों में बदलाव किए गए उसके बाद समाजवादी पार्टी ये कह रही कि भारतीय जनता पार्टी आज घबराई हुई है और डर उनके चेहरे पर नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि सपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लीजिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।